हेलो दोस्तों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं 13 फीट बाय 45 फीट हाउस प्लान के डिजाइन के बारे में, जो कि हमारा नॉर्थ फेस का हाउस प्लान है हमारा। इसका मैंने 3D नक्शा भी बनाया हुआ है और 2D नक्शा भी बनाया हुआ है, जिसके बारे में आज अपन पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो मैं आपको 3D मॉडल के बारे में बता देता हूँ, अपने रूम कैसी कौन सी किधर रहने वाली है। बाद में 2D नक्शे में आपको पूरा साइज पता चल जाएगा कौन सी रूम की साइज क्या रहने वाली है। ओके फ्रेंड्स, देखिए आप देख सकते हैं जो नॉर्थ साइड है उस तरफ हमारा रोड रहने वाले है और उसको तीनों साइड कवर्ड है, मतलब उस तरफ अदर प्रॉपर्टीज रहने वाली है। वेंटिलेशन हमने खुद के प्लॉट में एडजस्ट किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक डक छोड़ा हुआ है वेंटिलेशन के लिए। जो स्टेयर के दी हुई है उसकी एंट्री अंदर से दी हुई है। चलिए अंदर का प्लान मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अंदर से कुछ इस तरह हमारा प्लान दिखने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रंट साइड हमने ओटा छोड़ा हुआ है जिसकी विड्थ आ जाएगी 4 फीट और यहाँ से हम लिविंग में एंट्री कर सकते हैं। ओके पेन, जो हमारा लिविंग हॉल है उसका एरिया आ जाएगा 150 स्क्वायर फीट तक। यहाँ पे हमारा किचन है उसका एरिया आ जाएगा 145 तक। ओके पेन, जो स्टेयर के दी हुई है उसके अंदर से दी हुई है, यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे मतलब ऊपर की मंजिल पे। उसके नीचे हमें डाइनिंग के लिए जगह भी मिल जाएगी, काफी बढ़िया स्पेस है। तो यहाँ पे दिया हुआ है टॉयलेट और यहाँ बेडरूम, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वार्डरूम छोड़ा हुआ है और यहाँ पे हमारा डक रहने वाला है जिसके वेंटिलेशन हमारे बेडरूम और टॉयलेट को मिल जाएगा। इस तरह हमारा 3D मॉडल रहने वाला है। 2D नक्शा में आपको पूरा डिटेल में दिखा देता हूँ कैसा रहने वाला है। ओके फ्रेंड्स, उससे पहले देख सकते हैं आप 3D रिलेशन काफी खूबसूरत बनाया हुआ। अगर इस चैनल पे आप नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन उसे दबा दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। देखिए इस तरह हमारा 2D नक्शा रहने वाला है। यहाँ पे हमारा मिल जाएगा बरामदा 4 फीट विड्थ का। जो हमारा लिविंग रूम है उसकी साइज मिल जाएगी 12 फीट बाय 12 फीट 3 इंचेस। इस तरह हमारा सोफा अरेंज रहने वाला है और सामने की दीवार पे आ जाएगा हमारा टीवी यूनिट। यहाँ पे किचन दिया हुआ है, किचन की विड्थ आ जाएगी 12 फीट बाय 12 फीट का और यहाँ से हमारा स्टेयर के स्टार्ट होता है। यहाँ पे रहने वाला है टॉयलेट, टॉयलेट की साइज है 8 फीट 6 इंचेस बाय 4 फीट और यहाँ डक छोड़ा हुआ है वेंटिलेशन के लिए। यहाँ पे बेडरूम है, बेडरूम की साइज है 10 फीट बाय 10 फीट। यहाँ पे हमारा वार्डरोब आ जाएगा। इस तरह हमने 2D नक्शा बनाया हुआ है फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिए।